जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास। रात 8 बज चुके हैं और हमारी क्लास का जो है सेशन शुरू हो चुका है। टॉप क्वेश्चंस हैं हिमाचल ज्ञान क्लासेस के, तो हम हिमाचल पुलिस और पटवारी की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं जिसके टॉप क्वेश्चंस लगाएंगे। सबसे पहले आपके लिए नया क्या है, नया यह है कि जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं कैसी थी। तो जल विद्युत ऊर्जा में हिमाचल प्रदेश जो है वो जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत कब से की थी, तो चंबा से शुरुआत की थी, जो कि राजा भूरी सिंह ने शुरुआत की थी। याद रखिएगा, पहला सवाल क्या है कि हिमाचल में जल विद्युत परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई, नंबर दूसरा वो किस राजा ने की थी और कब की थी, तो 1908 में उन्होंने शुरुआत की थी। मंडी में जो है बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना है जो कि 1932 में सर्वप्रथम बनाई गई है, ये याद रख लीजिए। और इसका जो निर्माण है वो 1932 में हुआ है और 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की कुल जो विद्युत आपूर्ति क्षमता है वो कितनी है या कितनी थी, 550 मेगावाट थी। और वर्ष 1971 में हिमाचल राज्य की जो बोर्ड है HPSEB, आपके घर में बिजली का बिल आता होगा तो वो बिल किसके द्वारा आता है, वो भी हिमाचल प्रदेश जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ही बिल जो है वो आपको दिया जाता है। हिमाचल सरकार का जो बोर्ड जो बनाया गया था, विद्युत का बोर्ड, वो 1971 में बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश ने 1988 में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। लाहौल स्पीति का किब्बर गांव है एक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किब्बर गांव बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है, ये जहां पर बहुत ही हाइट पर है ये, और ये आपका एशिया का भी बहुत ऊंचा एक गांव है और भारत का तो है ही है, तो वहां पर भी बिजली जो है हिमाचल सरकार द्वारा पहुंचाई गई है। और हिमाचल विद्युत नियामक आयोग जो है का गठन जो है वो 2001 में हुआ है, HPERC। आगे चलते हैं, सन 2010 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को तीन हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। कितने हिस्से में विभाजित किया बोर्ड को, तीन हिस्सों में। जल विद्युत के उत्पादन का कार्य जो है वो पावर कॉर्पोरेशन कंपनी, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन HPPSCL को सौंप दिया गया है। और जल विद्युत संरचना जो है ट्रांसमिशन का कार्य जो है वो हिमाचल प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को सौंप दिया गया है। और राज्य में जल विद्युत वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बांटना है घर घर तक, तो हिमाचल बोर्ड जो है विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सौंप दिया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में इसकी स्थापना हुई है। और सर्वाधिक जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो किस नदी की है, वो है नदी आपकी सतलुज नदी की जल क्षमता, यानी कि बिजली बनाने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक है सभी नदियों में से। इसी प्रकार से दोहन की बात करते हैं यूसेज की, तो 27,436 मेगावाट की क्षमता है परंतु 24,000 मेगावाट का ही दोहन योग्य बनाया गया है, यानी कि यूज करने के लिए, और जो शेष है वो पर्यावरण को बचाने की के लिए और उसका संतुलन और भिन्न विभिन्न जो सामाजिक कारणों से त्याग कर दिया गया है, यानी कि हमने उसको छोड़ दिया है, हम नहीं बनाएंगे बिजली इतनी। इसलिए सरकार ने निर्धारित लक्ष्य में 24,000 मेगावाट में से केवल 20,912 ही मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन करके आवंटित किया है। और राज्य में जल विद्युत का विकास जो है वो सरकारी निजी क्षेत्रों में जो भागीदारी में प्रगति प्रदान करने के लिए किया गया है। और अभी जो है वो 10,519 मेगावाट जो बिजली है वो विभिन्न क्षेत्रों में दोहन दिया जा रहा है, यानी कि उनको बिजली प्रदान की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश जल विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसे कि गिरी जल विद्युत परियोजना, पेपर में बहुत बार आता है कि फलानी जो है वो बिजली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, कितने मेगावाट की है, तो याद रखना है तो ये 60 मेगावाट की है और गिरी नदी पर है सिरमौर में। कब बनी थी? 1964 में, ये यूं याद रख लीजिए बहुत अच्छा रहेगा। 1966 में बनकर तैयार हुई है और हिमाचल सरकार द्वारा ये पहली ऐसी परियोजना है जो हिमाचल सरकार ने खुद मतलब बनाई है, गिरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आती है भावा, जिसको हम संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, ये है 120 मेगावाट की है, भावा खड पर है इसलिए इसका नाम भावा रखा है, और सतलुज नदी पर बनाई गई है ये, क्योंकि सतलुज नदी की ये सहायक खड है। और ये कहां पर है? तो किन्नौर जिले में है। 1989 में इसको पूर्ण रूप से बनाया गया और ये याद रखिए एशिया की भी पहली विद्युत या भूमिगत जो है अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना है, भावा या संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा कि एशिया की भूमिगत पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। अगला सवाल है बस्सी परियोजना, बस्सी परियोजना कहां पे है? 60 मेगावाट की ब्यास नदी पर और जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। थ्रियोट जल विद्युत परियोजना है 4.50 मेगावाट की, थ्रियोट नाला चिनाब नदी पर है और जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है परियोजना आंध्रा परियोजना, आंध्रा ही नदी है जो कि पब्बर की एक सहायक नदी है और चिड़गांव या आंध्रा नदी पब्बर की सहायक नदी पर बनी है, जैसे मैंने आपसे बताया है। इसके आपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करने हैं और उनको एक बार आपने पेपर में जाने से पहले तैयार भी करना है। बनेर परियोजना जो कि 12 मेगावाट की है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनेर खड पर ही बनाई गई है। गज परियोजना है जो कि 10.25 मेगावाट की है, कांगड़ा जिला के गज व लियोन खड पर बनाई गई है। किस पर बनाई गई है? गज और लियोन खड पर बनाई गई है। नेक्स्ट आ जाती है धानवी जल विद्युत परियोजना जो कि 22.5 मेगावाट की है, शिमला में है, ज्योरी धानवी खड पर है, सतलुज की धानवी खड है सहायक, तो इसलिए। अगली परियोजना आती है बिनवा, सभी ने नाम सुना है बिनवा खड, 6 मेगावाट की है, बैजनाथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिनवा भी बोलते हैं कई, बिन्नू खड या बानू खड भी बोलते हैं, जो कि ये ब्यास की सहायक नदी है, इस पर ये बनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं गुम्मा परियोजना जो कि 3 मेगावाट की है, मंडी में गुम्मा खड के ऊपर ही बनाई गई है। होली परियोजना है 3 मेगावाट की, भरमौर के चंबा में है, रावी नदी के ऊपर बनाई गई है, 3 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना होली परियोजना। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली लारजी परियोजना जो कि 126 मेगावाट की है। लारजी में अभी आने वाले समय में ब्यास नदी जब उफान पर थी तब ये लारजी का काम भी ठप हो गया था, तो कुल्लू में है ये और हिमाचल सरकार द्वारा जो है ये निर्मित की गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई है, नाम है लारजी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट रहता है निजी क्षेत्र द्वारा जो है बनाई गई परियोजनाओं का नाम ले रहा हूं, बसपा या बसपा जल विद्युत परियोजना 300 मेगावाट की है, किन्नौर में बसपा ही नदी का नाम है, सतलुज की सहायक नदी है, उस पर बनाई गई है। नेक्स्ट आती है मलाणा परियोजना जो कि 86 मेगावाट की है, कुल्लू के मलाणा खड पर यानी कि बनाई गई है, ब्यास की सहायक नदी है, मणिकरण को जाते वक्त ये मलाणा परियोजना भी आपको देखने को मिलेगी। यमुना परियोजना है 131.57 मेगावाट की है जो कि सिरमौर और उत्तराखंड के सहयोग से बनाई गई है और ये भी यमुना नदी के ऊपर ही बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम यमुना परियोजना रखा गया है। नेक्स्ट आता है चमेरा परियोजना जो कि 540 मेगावाट की है, रावी नदी पर है, एनएचपीसी द्वारा जो है 1994 में इसको बनाया गया है। ऐसे ही चमेरा 1, 2 और 3 इसके जो है अलग अलग जो है चरण हैं, इन चरणों में इसको बनाया गया है और अलग अलग से प्रकार से जो है वो दोहन बिजली का किया जा रहा है, बनाई जा रही है।
इसी प्रकार से है बैरसुल परियोजना है जो कि 180 मेगावाट की है, बैरसुल खड के ऊपर है जो कि रावी नदी की एक सहायक नदी है और एनएचपीसी द्वारा 1981 में जो है वो इस नदी को जो है बैरसुल नदी को बनाया गया है या परियोजना को बनाया गया है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट आती है शानन परियोजना जो कि 110 मेगावाट की है, पंजाब में है, विद्युत बोर्ड यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा निर्मित की गई है या उनके अधीन है और मंडी जिले के जोगिंदरनगर में ये स्थित है और हिमाचल प्रदेश में बनी जल विद्युत परियोजना है जो कि 1932 में, कब 1932 में ब्यास नदी की रीना नदी पर बनी है और ये उल खड भी कहते हैं, रीना नदी को ही उल खड भी कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है पोंग परियोजना जो कि पोंग डैम भी बोलते हैं, महाराजा रणजीत सिंह बांध भी है इसका नाम, तो कांगड़ा में है, ब्यास नदी पर बनाई गई है और भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट आती है देहर परियोजना, कई देहरा परियोजना बोलते हैं, तो देहर परियोजना 990 मेगावाट की है जो कि देहर खड पर ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है बनाई गई है, 990 मेगावाट की क्षमता है इसकी। इसके बाद आता है भाखड़ा परियोजना जो कि 1325 मेगावाट की है, बिलासपुर के में है और सतलुज नदी पर बनाई गई है, 1963 में भाखड़ा डैम जो है ये बनकर तैयार हुआ था, याद रखिएगा, और ये सबसे ऊंचा भी बांध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है नाथपा झाखड़ी परियोजना, नाथपा झाखड़ी परियोजना जो है वो 1500 मेगावाट की है, किन्नौर में ये स्थित है, केंद्र सरकार द्वारा यानी कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीय है उनके द्वारा ये बनाई गई है और राज्य सरकार द्वारा और सतलुज जल विद्युत निगम प्राइवेट लिमिटेड SJVNL के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है और विश्व बैंक का भी इस परियोजना में यानी कि नाथपा झाखड़ी जो कि किन्नौर में है इसमें सहयोग रहा है वर्ल्ड बैंक का भी। तो ये हमारे अब क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से रिलेटेड। अब आइए हम इन क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी के तट पर है, ब्यास नदी के तट पर कौन सी है, बनेर, गज, खोली और ये सभी, सभी अपना अपना आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आंसर जान लेते हैं डी, ये तीनों ही आंसर सही रहेंगे, इन तीनों पर मैंने अभी बताया है कि ये परियोजनाएं जो है जल विद्युत परियोजनाएं बनी है। अगला आ जाता है रुकती जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी के पर बनी है या बेसिन पर है, चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास। तो सही आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, सतलुज नदी, सतलुज नदी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है खुरपन जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल में कहां पर है, खुरपन जल विद्युत परियोजना शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू या किन्नौर। तो सही आंसर रहे देख लेते हैं, बी ऑप्शन है, कुल्लू। सभी अपना अपना आंसर जो है वो साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए कि आपके आंसर जो है वो कैसे रहते हैं। भावा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, भावा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, 120, 155, 135, 180 मेगावाट। तो सभी अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं और जैसे जैसे आंसर देते रहेंगे उसी से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। करेक्ट आंसर रहेगा वो है 120 मेगावाट, 120 मेगावाट आपका ये आंसर सही रहेगा। पांचवा सवाल है थिरोट जल विद्युत परियोजना, मैंने पहले बताया थिरोट जल विद्युत परियोजना थिरोट नदी पर ही है, पर बताएं कि कौन सी जो ये जो परियोजना है वो किस नदी की सहायक नदी भी है। तो बताएं रावी, ब्यास, चिनाब या सतलुज, अपना आंसर साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा। तो समय समाप्त, आंसर है चिनाब नदी, चिनाब नदी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है 260 मेगावाट की हिबरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, 260 मेगावाट की जो है हिबरा जल विद्युत परियोजना कहां पर है, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा या शिमला। तो सही आंसर देख लेते हैं वो है आपकी सिरमौर, कहां पे है, सिरमौर। नेक्स्ट आता है देहर जल विद्युत परियोजना
कि क्षमता कितनी है। मैंने पहले ही बता दिया है कि देहर यानी कि देरा की बात कर रहे हैं जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, देहर जल विद्युत परियोजना, तो कितने मेगावाट की है। टाइम इज क्लोज, 165 मेगावाट की जो है क्षमता है इसकी उत्पादन की। नेक्स्ट आती है रोंग टोंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पेपर के लिहाज से, रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में है। तो ये रोंग टोंग नदी का नाम भी याद रखिएगा, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति या सिरमौर। तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन लाहौल स्पीति इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट नौवां सवाल, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। मैंने अभी आंसर इसका दिया था कि बहुत ज्यादा जो है वो उत्पादन किया जाता है, कौन सी नदी है, चिनाब, सतलुज, रावी या ब्यास। सभी अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को कमेंट करते रहिए, तो ही आपकी तैयारी बनेगी। तो सही आंसर रहेगा सी, सतलुज नदी। सतलुज नदी पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है दोहन किया जाता है जल विद्युत का। हिमाचल प्रदेश में विद्युत बोर्ड की स्थापना यानी कि कब हुई है। सभी ने ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करना है। ये आज का 10वां सवाल जो कि आपके लिए दिया गया है, आपने ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है और इस सवाल का आंसर भी आपने देना है कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1970, 74, 71 या 68। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें और इस आंसर का कमेंट करें। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।